ओके क्लास यहाँ पर देखिएगा, अभी ये वाला हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, अक्टूबर नवंबर 2015 P2 1 क्वेश्चन नंबर N1। इसमें मेरे पास क्या है, फिगर 1.1 शोज एन आर्चर फायरिंग एन एरो एट अ टारगेट ड्यूरिंग अ कॉम्पिटिशन, और ये आपके सामने फिगर 1.1 शो है कंप्लीट। इसमें क्या कह रहा है एग्जामिनर, द एरो हैज अ मास ऑफ 0.01 kg एंड इट्स इनिशियल एट रेस्ट एंड आफ्टर दिस द एरो लीव्स द बॉ 0.011 seconds आफ्टर द बॉ स्ट्रिंग इज रिलीज। व्हेन इट लीव द बॉ द वेलोसिटी ऑफ द एरो इज दिस। कैलकुलेट द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द एरो ड्यूरिंग द 0.011 सेकेंड। आपको सिंपल एक्सेलरेशन निकालनी है, तो एक्सेलरेशन का हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके थे, ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, वी माइनस यू अपॉन टी, और ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, 9.5 meters per second। ये देखें सवाल में गिवन है, एक्सीलेंट बेटा आयशा, 95 माइनस 0। टाइम अब हमें कितना दिया हुआ है, 0.011 seconds। इसको जब आप डिवाइड करवाओगे तो आंसर आ जाएगा 8636.3 meters per second square। यस बेटा क्लियर, जिसको क्लियर हो जाए वो थंब रेज कर दे ताकि मुझे पता चल जाए। आई थिंक सो फरवा ने ये सवाल पूछा है। यस बेटा फरवा क्लियर है, ओके। नंबर नेक्स्ट है द एवरेज फोर्स एग्जर्टेड। अब आपको निकालनी है एवरेज फोर्स जो एग्जर्ट हो रही है वो पार्ट नंबर टू में। ठीक है, एवरेज जो फोर्स एग्जर्ट हो रही है पार्ट टू में वो अब आपको निकालनी है, वो कैलकुलेट करनी है। अब मैं उसको कैलकुलेट करने के लिए जा रहा हूँ। वेरी गुड, एवरेज फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला होगा एफ इज इक्वल टू एम ए, जो कि आप लोग पढ़ते हुए आए हो। तो एफ इज इक्वल टू एम ए, यहाँ पे टाइम अगेन मुझे किस में दिया हुआ है, सेकेंड्स में, ये रहा 0.01 सेकेंड्स। तो अब आपके पास एफ मास किस में दिया हुआ है, के जी में, तो आप मास यहाँ पे पुट करोगे, मास 0.018 kg। एक्सलरेशन कौन सी पुट करोगे, जो अभी आपने यहाँ पर निकाली है ये वाली एक्सलरेशन आपने कैलकुलेट की थी ऊपर, आप इसी एक्सलरेशन को नीचे यूज करेंगे। सो योर एक्सलरेशन इज 8636.3 एंड द न्यूटन फोर्स इज 155.4। वेरी गुड राइट, दिस इज योर पॉइंट एंड देन फोर एंड फोर न्यूटन। एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग दिस? नाउ आफ्टर दिस मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट पेज में मुझे क्या चीज कह रहे हैं, बेटा फातिमा और फरवा प्लीज टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड आफ्टर क्लास पोस्ट इट इन टू द ग्रुप। ओके नाउ मूव ऑन। In the practice, the force exerted on the arrow gradually decreased to zero during firing. On figure 1.2, sketch a possible speed time graph of the arrow as it is being fired. Speed time graph आपको plot करना है. Okay, speed time graph इसमें plot करने के लिए आपके पास देखो maximum 95 meters per second speed थी. तो gradually जैसे जैसे time बढ़ रहा है कुछ speed हमारे पास बढ़ेगी बढ़ेगी, एक टाइम आएगा जब ये कांस्टेंट की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से जाना जाएगा। ठीक है नाउ आफ्टर दिस मूव ऑन पेज नंबर 75। एनी कंफ्यूजन इन पेज नंबर 75? कोई मसला है पेज नंबर 75 में तो जल्दी से मुझे बताएं। डन ओके वेरी गुड। पेज नंबर 76 डन। पेज 77 डन। पेज 77
ओके, फरवा, आयशा, बिस्मा, सब चेक करते रहो, ये सबका हो गया, मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, जो नहीं हुआ वो मुझसे फिर पूछ लो। एंड आफ्टर पेज 77, पेज नंबर 78, ओके, पेज नंबर 77, बेटा विच पार्ट है ना? 1 मिनट, बेटा, कौन सा वाला पार्ट नहीं हुआ इसमें, जल्दी से मुझे बताइएगा फ्रॉम मैं ना बिगनिंग। दूंगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे पास क्या है, फिगर 1.1। एक मिनट बेटा, बेटा मई जून 2014, P22, क्वेश्चन नंबर 1। फिगर शोज अ लॉरी एक्सलरेटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन अलोंग अ हॉरिजेंटल रोड। द ड्राइविंग फोर्स ऑन द लॉरी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इज डी एंड द टोटल बैकवर्ड फोर्स ऑन द लॉरी इज बी। ओके, फॉरवर्ड डायरेक्शन फोर्स कैसी है, डी। आप सबसे पहले इसको मेंशन कर दोगे, डी को, सी ऑफ फॉरवर्ड, फॉरवर्ड को आपने मेंशन कर दिया डी, और ये है आपके पास बैकवर्ड, इसको मेंशन कर दिया बी से। स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर डी और बी इज द लार्जर फोर्स। कौन सी वाली फोर्स लार्जर होगी? अंडरस्टूड है, डी लार्जर होगी। क्यों लार्जर होगी? क्योंकि डी जब लार्जर होगी तभी तो ये फॉरवर्ड मूव कर रहा होगा। डी इज लार्जर देन, डी इज लार्जर फोर्स एज कंपेयर टू बी, सो दैट्स वाई इट लॉरी इज एक्सेलरेटिंग फॉरवर्ड। डी फोर्स इज लार्जर देन बी, सो दैट्स वाई लॉरी इज, सो दैट्स वाई लॉरी इज मूविंग जरूरत के मुताबिक। फॉरवर्ड। सजेस्ट वन पॉसिबल कॉज ऑफ द बैकवर्ड फोर्स। क्या कॉज है बैकवर्ड फोर्स का? बेटा बी इज बेसिकली बैकवर्ड फोर्स, एग्जामिनर ने सवाल में बोला हुआ है, सवाल पढ़े हॉर से, ये देखें, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस स्टेटमेंट को हॉर से पढ़ें। द ड्राइविंग फोर्स ऑन द लॉरी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इज डी एंड द टोटल बैकवर्ड फोर्स ऑन द लॉरी इज बी। बी बैकवर्ड फोर्स है, टायर से बैकवर्ड लगेगी, वेरी गुड, फ्रिक्शन और ब्रैकेट में एयर रेजिस्टेंस, एक्सीलेंट बेटा। तो बैकवर्ड फोर्स पे क्या है पॉसिबल? फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस, क्लियर। नंबर नेक्स्ट बेटा, स्क्रीन शॉट ले लें इसका। अब बेटा समझ आ गया फातिमा के डी क्या है और बी क्या है? आपने ये वाली शायद स्टेटमेंट पढ़ी नहीं थी। डन बेटा, जवाब तो दो यार, तुम लोग किम पता नहीं सोए हुए हो या क्या है, रिकॉर्डिंग हो रही है भाई, क्या चीज दोबारा रिपीट करूं बेटा? ओके, अनम्यूट कर दिए, पूछें क्या बात है बेटा। एग्जामिनर ने क्या कहा है यहाँ पर, ये वाली ये वाला पार्ट पढ़े, फॉरवर्ड डायरेक्शन इज डी, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन को आपने एरो से डी मेंशन कर दिया। फॉरवर्ड का क्या मतलब है? जहाँ से इंजन फोर्स लगती है, इंजन फोर्स हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है। बैकवर्ड फोर्स कहाँ से लगती है? टायर से बैकवर्ड फोर्स, तो बैकवर्ड फोर्स हम किससे मेंशन करते हैं? बी से, फ्रिक्शनल फोर्स, ये बैकवर्ड मेंशन कर दी। अब आपने उसको जहन में रखते हुए इन दोनों के आंसर्स करने, एग्जामिनर कह रहे हैं स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर डी और बी इज द लार्जर फोर्स, आपने इन दोनों में से बताना है कि कौन सी वाली फोर्स लार्जर है। तो अब आपने बोला कि डी फोर्स लार्जर है, क्योंकि डी फोर्स लार्जर है बी से, तभी तो वो कैसे मूव कर रहा है, फॉरवर्ड मूव कर रहा है, तो इसका ये आंसर है डी।
force is larger than V, so that's why lorry is moving forward direction. Suggest one possible cause of the backward force. Backward force ki cause kya hai? Backward force ki cause hai friction aur bracket mein aayega air resistance. Clear? ये एयर रेजिस्टेंस कैसे, जब हम आगे हमारी गाड़ी चल रही होती है, एक हवा पड़ती है या नहीं पड़ती, वो जो हवा है वो बेसिकली एयर रेजिस्टेंस है. यस फातिमा एंड फरवा क्लियर? यस सर. ओके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. यस द वेट ऑफ द लॉरी इज 300,000 न्यूटन. द वेट ऑफ द the gravitational field strength G is 10 newton per kg. Calculate the mass of the lorry. Simple, W is equal to mg laga do. W kya tha? Newton. Ye ra. 300,000 newton. Mass nikalne. 10 newton per kg. Ye multiply wahan le jaake aap divide kar denge. जैसे जब आप जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा. जल्दी से डिवाइड करवाएं, बताएं क्या आंसर निकला. हाँ जी भाई, मल्टीप्लाई वहां ले जाके डिवाइड करवा दो. 30,000. अच्छा 30,000 केजी आप इस तरह भी लिख सकते हैं, और ईएनजी का बटन होता है कैलकुलेटर में, आप इसको वो प्रेस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 30 × 10³ केजी, तो भी सही है. क्लियर? एक्सेलरेशन निकालनी है. द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द लॉरी इज दिस. कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द लॉरी. रिजल्टेंट फोर्स क्या है हमारे पास, ये क्या दे दी, एफ. सिंपल इज दैट एफ इज इक्वल टू एम ए का फॉर्मूला पुट कर दें. एफ कितना दिया हुआ है, 15,000. मास हमने ये निकाल लिया है, 3 × 10³. ए कैलकुलेट करना है, ए मल्टीप्लाई वहां ले जाके डिवाइड करवा दें. क्या आंसर बेटा निकाला सर, ये वाला पार्ट दोबारा एक्सप्लेन कर दे, बी का पार्ट टू. अच्छा ये देखें, अब क्या है, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द लॉरी इज दिस. कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, कि कितना एक्सेलरेट कर रहा है ऑब्जेक्ट, ये मूव कितना कर रहा है. तो सिंपल फॉर्मूला है, एफ इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. क्लियर? तो फोर्स क्या है हमारे पास, ये वाली, वो आपने फोर्स को इधर पुट कर दिया. एम मास, अभी आपने यहाँ से मास कैलकुलेट किया था, वो वाला मास आप यहाँ पर पुट कर देंगे एम की जगह पे. ए क्या है, एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन से ये वाली जो वैल्यू है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ रेड से, ये वाली वैल्यू क्या हो रही है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, देखो. ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ ले जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड. जैसे डिवाइड होगी तब आपको एक्सेलरेशन निकल जाएगी. ठीक है, एक्सेलरेशन कितनी निकलेगी, 0.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. क्लियर हो गई बात, कोई मसला? प्लीज ये फिर खा लो यार, ये मेरा नहीं खाने. लेटर द लॉरी टर्न अ कॉर्नर एट कॉन्स्टेंट स्पीड. लॉरी ने टर्न लिया कॉर्नर से, ठीक है, लेकिन कॉन्स्टेंट स्पीड से. एक्सप्लेन व्हाई द लॉरी. एक्सप्लेन व्हाई द लॉरी एक्सेलरेटिंग इवन थ्रू द स्पीड इज कॉन्स्टेंट. बेटा आप दोबारा कैलकुलेट करो, आ जाएगा आंसर. आंसर तो यही निकल रहा है, 0.5. आपने गलती से 3 जीरोस को पुट कर दिया होगा, 0.5 निकलेगा.
Because the direction and the velocity is changed. Very good. Because the direction and velocity is changes. Yes, beta, ab ho gaya aapse? Yes, aa rahi hai. Kya naam hai? Aisha, Fatma. Yes, beta, Fatma ho gaya.